नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग टॉपिक 2.0 में। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वायरस से भी तेजी से इंडिया के अंदर फैल रहे एक और वायरस की, जिसका नाम है बिनोद। हाँ जी फ्रेंड्स, यहाँ पे कोरोना वायरस की वैक्सीन मिल सकती है, लेकिन बिनोद की वैक्सीन का मिलना यहाँ पे असंभव सा लग रहा है। सो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिनोद शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और इस पर बड़े बड़े यूट्यूबर्स का क्या रिएक्शन है। सो फ्रेंड, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जोर देखना और जिस किसी ने भी हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। हाँ जी फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात करेंगे टेक्निकल गुरुजी की। तो टेक्निकल गुरुजी ने अपनी एक वीडियो में अपने इंट्रो को बिनोद से रिप्लेस कर दिया, जो कि बहुत ही फनी वे में लग रहा था। सो फ्रेंड्स, चलिए पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। नमस्कार बिनोदों, मेरा नाम है बिनोद, आप देख रहे हैं बिनोद, तो चलिए बिनोद। सो फ्रेंड, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने का बिनोद का नाम लेकर अपनी वीडियो के अंदर, जो कि टेक्निकल गुरुजी ने बहुत ही शानदार तरीके से किया। रुको जरा, सबर करो। हाँ जी फ्रेंड, जो हमारे दूसरे बड़े यूट्यूबर है वो है हर्ष बेनीवाल। उनकी गेमिंग की लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर बिनोद ओपी स्पैम होने लगा, जिसका उन्होंने बहुत ही फनी वे के अंदर जवाब दिया। चलिए आपको मैं उस वीडियो की छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ। विनोद विनोद, तू हमारी लाइफ पे तो आ गया। हमारे घर में कैसे घुसेगा, तेरे को पता ही नहीं हमारा घर गुलगांव में है और सेक्टर 56 में है और हमारा एड्रेस है। इसको कुछ नहीं पता भाई, कितना एड्रेस तूने दे दिया, मैंने कितने का लैंडम थोली गाइस। सो फ्रेंड, यहां पे हर्ष बेनीवाल ने बहुत ही फनी वे में बिनोद ओपी का जवाब दिया है। सो फ्रेंड, बढ़ते अभी अपने तीसरे यूट्यूबर की तरफ, जो कि है टेक्निकल योगी। उन्होंने भी विनोद के ऊपर एक वीडियो बनाई है, चलिए पहले मैं उसकी आपको छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ। राहुल, तो ऐसे ही विनोद के ऊपर अब क्या हुआ, एक हमारे बहुत अच्छे यूट्यूबर है सैली पॉइंट, और इन्होंने क्या किया, एक वीडियो बनाया अतरंगी कमेंट्स के ऊपर, एक फनी वीडियो बनाया और उसमें बताया कि भैया ये विनोद वाला कमेंट तो वाकई में अतरंगी था। उसके बाद से वो वीडियो थोड़ा वायरल हो गया और लोग कॉमेडी करने के लिए, मतलब फन के लिए, किसी भी वीडियो के नीचे जाके लिखने लगे विनोद 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 विनोद, और ऐसे ही ये विनोद चल रहा है। अब लोगों को लग रहा है कि भैया कोई स्पैम है, बट ये कोई स्पैम। सो फ्रेंड, ये था टेक्निकल योगी का पॉइंट ऑफ व्यू। अभी इसके साथ साथ मैं एक और यूट्यूबर टेक्निकल सागर का पॉइंट ऑफ व्यू भी बता देता हूँ इस टॉपिक के ऊपर। चलिए उसकी वीडियो की एक छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ। ये बताओ कि ये विनोद आदमी है कौन, मेरे कमेंट सेक्शन में विनोद, मेरे पर्सनल मैसेज में विनोद, ट्विटर पर विनोद, फेसबुक पर विनोद, मीम कम्युनिटी, मीम इंडस्ट्री, मीम वाले मीमर्स में विनोद, हर जगह विनोद। ट्विटर पर पेटीएम के ऑफिशियल हैंडल ने अपना नाम पेटीएम से चेंज करके विनोद रख लिया। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपने इन सब यूट्यूबर्स की वीडियो देखी। सो फ्रेंड, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, मेन बात यह है कि सबको पता है विनोद कौन है, लेकिन यहाँ पे हर कोई यूट्यूबर बनाने को लग रहा है वीडियो विनोद के ऊपर। पता है विनोद ट्रेंडिंग में चल रहा है, व्यूज आएंगे दबा के, सब्सक्राइबर आएंगे, पैसे आएंगे, तो बनाओ बेंचो वीडियो विनोद के ऊपर। वाह मोदी जी वाह। और यार सॉरी, मैंने आपको विनोद शब्द की उत्पत्ति नहीं बताई, क्योंकि मुझे पता है यार, आप सबको पता है कि विनोद शब्द कहाँ से आया है, ये स्ले पॉइंट की इस वीडियो से आया है। सो फ्रेंड, बार बार मैं इस विनोद शब्द में नहीं अटकना चाहता, अभी हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ये नहीं कि एक विनोद शब्द पे आप अटक के पूरी जिंदगी तो निकाल नहीं सकते। सो फ्रेंड, अभी विनोद शब्द से आगे बढ़ो यार, कुछ और नया ट्रेंडिंग में लेके आओ अभी। करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता। सो फ्रेंड, बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।